अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी आलू। तो तंदूरी आलू बनाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे साइज़ के आलूओं को बॉईल कर लिया है। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन का मसाला बना लेते हैं। हाफ कप दही लिया है मैंने, थ्री टेबल स्पून बेसन लिया है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर और 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, आप चाहे तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने आलूओं को बॉईल किया था, अगर आपको आलू बड़े लग रहे हैं तो आप इस तरीके से 2 पीस कर सकते हैं एक आलू के। तो जो बड़े हैं उनको मैंने 2 पीस में कट कर लिया है और बाकी के जो छोटे हैं उनको मैं सारे अच्छे इसी तरीके से डाल दूंगी और इनको हल्के हाथों से अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। तो ये तंदूरी आलू है तो हमें इसमें कोयले की स्मोक देनी है, तभी इसमें तंदूरी फ्लेवर आएगा। तो कोयले को मैंने जला लिया था गैस पर, कोयला इसमें रख देंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे साइड में। तो 5 मिनट हो चुके हैं, कोयले की स्मोक इसमें आ चुकी है। ये स्टिक्स ली है मैंने जिसमें हम आलूओं को लगाएंगे। ये शिमला मिर्चें ली है, चौकोन कट की है और अनियन को भी चौकोन कट कर लिया है। आप चाहे तो अनियन और शिमला मिर्च को इस मैरिनेशन में भी मिला सकते हैं बट मैंने अलग रखा है। तो सबसे पहले स्टिक में अनियन को लगा देंगे, फिर आलू लगा लेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये बनकर तैयार होते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। इफ्तारी में आप इसको बनाइए, खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को याद से दबाइए। बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो आपको दिख पाएगी। तो ये देखिए फर्स्ट मैंने स्टिक में लगा दिए हैं, सेकेंड भी इसी तरह से लगा देंगे। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। तो सारे इसी तरह से आपको स्टिक्स में लगा लेना है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, ऑयल जब गर्म हो जाए तब एक एक करके हम स्टिक्स को रख देंगे इसमें। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पलटते हुए हर साइड से गोल्डन ब्राउन इनको फ्राई कर लेना है। तो हर साइड से पलटते हुए मैंने फ्राई कर लिया है, ये फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से और टेस्टी से हमारे तंदूरी आलू बनकर रेडी है। मैं इस पर तंदूरी मेयोनेज़ डाल रही हूँ। अगर आपके पास तंदूरी मेयोनेज़ नहीं है तो आप इस पर चाट मसाला स्प्रिंकल कर दें और जो सादा वाला मेयोनेज़ होता है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।